देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हालांकि क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल आर नोमरिकली इक्वल, संख्यात्मक रूप से इक्वल है, तो हमें निकालना क्या चीज है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होगा? डायमीटर बोल रहा है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायमीटर सर्कल का जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है ना। रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है डायमीटर। तो हमें निकालना होगा सबसे पहला काम रेडियस, जबकि क्वेश्चन में सब बात दिया गया था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि एरिया पता है, सर्कल का क्या होता है हम लोगों को कि पाई आर स्क्वायर होता है। वह नोमरिकली बोला गया है किसके इक्वल है? पैरामीटर के इक्वल है। पैरामीटर होता है 2 पाई आर, किसके होता है? 2 पाई आर के इक्वल। अब ध्यान से तुम जब देखोगे इस बात को तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, जबकि पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से ओनली आर बच जाता है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 2 यूनिट। तो बोला जा रहा था डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि क्या आ गया? 4 यूनिट्स का डायमीटर हो जाएगा, और यही अपना फाइनल आंसर होगा।